रीवा में नवरात्रि के पावन अवसर पर अष्टमी में मंदिरों में उमड़ी भीड़। नहीं दिखा महिलाओं के चेहरे पर मास्क। कोविड 19 महामारी के चलते नवरात्रि अष्टमी का त्यौहार पूरे जिले में सादगी के साथ मनाया जा रहा है। ना भंडारा ना कन्या भोज। हालांकि महिलाएं अष्टमी के दिन भी पूजा पाठ करने के लिए मंदिरों को निकली, जिनके चेहरे में मास्क नहीं दिखाई दिया, जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी मंदिर पहुंचे। शहर के प्रसिद्ध रानी तालाब मंदिर, जालपा देवी, फूलमती मंदिर ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहां अष्टमी को श्रद्धालुओं का खासा जमावड़ा रहता था। लोग कन्या भोज कराते थे, लेकिन कोविड 19 के कारण ना भंडारा ना कन्या भोज हुआ। फूलमती मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस वर्ष विश्व कल्याण के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अष्टमी का व्रत हर व्यक्ति को निर्जला रहना चाहिए। माँ दुर्गा की उपासना से भी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। ये आज जो दुर्गा अष्टमी है, आज के दिन व्रत करने से हर व्यक्ति की कामना पूर्ण होती है। सभी को इस व्रत को करना चाहिए। यदि हो सके तो लोग निर्जला करें। यदि निर्जला नहीं रह सकते हैं तो इसे फल फूल खा करके इस व्रत का पालन करना चाहिए। इसके करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है और हर व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए दुर्गा अष्टमी का व्रत सभी लोगों को करना चाहिए। यह हर व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करता है। इसलिए दुर्गा जी का पूजन पाठ हवन जरूर करना चाहिए। और जो व्यक्ति दुर्गा जी की पूजा नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, उनके सारे पुण्य कर्म भगवती नष्ट कर देती हैं। इसलिए सभी को अपने घर में हो या मंदिर में हो पूजा अवश्य करनी चाहिए। हर वर्ष की भांति जो भंडारा होता था, कन्या खिलाया जाता था, इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है। ये इसका कारण ये है कि अपने देश में महामारी फैली हुई है, भीड़ भाड़ बहुत कम है, यहाँ बहुत कम लोग आते हैं और इसके कारण जो है यहाँ भंडारा वगैरह नहीं हो रहा है। नहीं, हर वर्ष होता था, लेकिन इस साल महामारी के कारण, कोरोना के कारण बहुत पब्लिक कम आती है यहाँ। और आपका नाम? हमें अश्विनी कुमार शास्त्री कहते हैं। हम यहाँ फूलमती मंदिर में निष्काम कर्म योग से अनुष्ठान पूजन करते हैं, विश्व शांति के लिए अनुष्ठान पूजन करते हैं और कोरोना महामारी को भगाने के लिए इस अनुष्ठान और साधना करते हैं, ताकि हमारे देश की जनता सुख शांति से रहे। और हमारा उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस उद्देश्य से हम अनुष्ठान पूजन यहाँ फूलमती के मंदिर में करते हैं, ताकि हमारे जिले में रहने वाले सभी लोगों का कल्याण हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, यही हमारी इच्छा है और यही हमारी साधना है। इसी के लिए हम यहाँ मंदिर में आकर के माता भगवती की आराधना करते हैं और साधना करते हैं। इस बार भीड़ भाड़ नहीं दिख रही है और ना भंडारा और ना कन्या भोज हो रहा है, क्या कारण? कोरोना महामारी, उसके चलते भीड़ नहीं हो रही, नहीं हो रही। तो आप लोग सब साधारण पूजा करके जाते। इस बार मंदिर में ना भीड़ दिख रही ना कन्या भोज दिख रहा है, क्या कारण? भंडारा, कोरोना की वजह से भंडारा नहीं चल रहा है ना कन्या भोज चल रहा है, तो भीड़ भी नहीं आ रही। भीड़ भी नहीं आ रही।